हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने टेंसेस सीख लिए, उसके बाद में इंटरोगेटिव बनाना सीख लिया, फिर नेगेटिव बनाना सीख लिया। उसी कड़ी में एक कदम और आगे WH फॉर्मेशन को यूज़ करना, और WH का मतलब भी इंटरोगेटिव। बट इस टाइप के इंटरोगेटिव में वील गेट ओनली वन आंसर, हमें उत्तर एक ही मिलेगा। हेल्पिंग वर्ब टाइप वाले में हमें दो आंसर मिलते हैं, दो ऑप्शन होते हैं, यस या नो के। कैसे यूज़ करना है इसके भी बहुत सारे टिप्स हैं, आगे भी थोड़ा और कवर करूँगा, लेकिन आज मैं बहुत ही शॉर्ट में बताने जा रहा हूँ। पहले तो ये सारी चीज़ें हमें सीख लेना चाहिए कि WH वर्ड्स क्या क्या है, W से शुरू होने वाले वर्ड्स, H से शुरू होने वाले वर्ड्स। तो मैंने लिस्ट बना रखी है और इसकी हिंदी भी मैंने लिख दी है WH वर्ड्स की। सबसे पहले है वॉट, क्या। अब एक क्या जो हम लोगों ने पहले देखा था, वो क्या और इस क्या में बहुत फ़र्क है। शायद मैंने उस वीडियो में भी इस बात का जिक्र किया है। आई टोल्ड, क्या वह जाता है, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो वह ऑप्शन दे रहा है आपको यस या नो आंसर देने के लिए। पर मैं अगर बोलता हूँ कि वह क्या करता है, ये क्या मतलब मैं डिमांड कर रहा हूँ उसके ऑब्जेक्ट का, इसके वर्क के बारे में पूछने का, तो ऐसे में नेचुरली अगर वो पढ़ता है तो कहेंगे कि वो पढ़ता है, वो काम करता है, वो स्कूल जाता है, एक ही उत्तर मिलेगा ना। तो बस वही बात है। तो इसलिए ये कई बार बच्चे बहुत छोटे लेवल के होते हैं, वो कन्फ्यूज़ होते हैं कि जहाँ भी देखा क्या आ गया हिंदी में, वॉट का यूज़ करने की कोशिश करते हैं। नो, फर्स्ट यू हैव टू सी कि ये वॉट कौन सा है, और इसका सीधा तरीका है कि हिंदी में देखो वो वाक्य, अगर क्या से शुरुआत हो रहा है तो वो आप समझ जाओ कि इसमें वॉट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर बीच में आ रहा है सब्जेक्ट के बाद में, वो क्या करता है, वो क्या खाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो आपको वॉट की प्रयोग करना पड़ेगा। तो यह लिखा है मैंने वॉट क्या, वाई क्यों, हु कौन किसने, ऐसे भी हिंदी अर्थ निकलता है, हुज किसका, हुम किसे किसको, ऐसे हिंदी अर्थ निकल सकती है, वेयर कहाँ प्लेस को रिलेट करता है, वैन कब टाइम को रिलेट करता है, एंड विच कौन सा, किसी भी चीज़ के बारे में पूछना हो। एच के भी बहुत सारे बन जाते हैं, लेकिन मैंने अभी तीन ही लिखे हैं, हाउ कैसे, मैनरिज्म कोई मैनर के बारे में, कैसे गए, क्या किया, कैसे करते हो, वगैरह वगैरह। हाउ मैनी कितने, और हाउ मच भी कितने, फ़र्क क्या, जिसे गिन सकते हैं उसके लिए हाउ मैनी का प्रयोग करेंगे, और जिसे नहीं गिन सकते हैं जैसे पानी है और लिक्विड कोई भी चीज़ है लीटर्स वाले, वो हाउ मच में आ जाता है। इसके और भी बहुत सारे टिप्स हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं पहले सिर्फ फॉर्मेशन पे जा रहा हूँ, कुछ मैं आपको लाइव एग्जांपल करके बताऊंगा। अब फॉर्मेशन कैसे याद रखें, मैंने आपको शुरुआत में कहा है इट इज़ ऑल कंसेप्ट। कंसेप्ट के हिसाब से अगर आप याद रखते हैं तो बहुत ही ईजी रहेगा। आपको एक ही फॉर्मेशन याद रखनी चाहिए, अफर्मेटिव, फ्रॉम देयर यू मस्ट बी एबल टू चेंज इंटू इंटरोगेटिव, नेगेटिव एंड WH फॉर्मेशन आल्सो। वी कैन मेक इंट्रो नेगेटिव आल्सो, उसमें नेगेटिव को वापस इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, वो बात की बात है। बट बेसिक फोर स्ट्रक्चर हमें अगर पता है तो हमारा काफ़ी काम ईजी हो जाता है। अब ये स्ट्रक्चर कैसे तैयार हो रहा है ये देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो ये चीज़ तो ऑलरेडी हमने सीखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले ले लेना, और उसके बाद में अगर हेल्पिंग वर्ब एक हिस्से में है तो सीधा मेन वर्ब आ जाना, ऑलरेडी हमने सीखा हुआ है। हेल्पिंग वर्ब अगर दो हिस्सों में है, पहला हिस्सा बाहर आ गया, दूसरा हिस्सा अंदर ही रह गया, उसके बाद में मेन वर्ब आ गया, इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इंटरोगेटिव का ही स्ट्रक्चर है। बस उससे पहले जिस WH का रिक्वायरमेंट होती है वो जोड़ देते हैं। इसके मैंने कहा और भी टिप्स सीखने पड़ेंगे, लेकिन सबसे ईजी जो अभी हम सीख सकते हैं इस क्लास के अंदर, वो अभी सीखने की कोशिश करते हैं। फर्दर मैं आपको और भी बताऊंगा, जब भी ट्रांसलेशन करेंगे तो और ज़्यादा सीखने को मिलेगा। अगली क्लास नेचुरली ट्रांसलेशन की होगी, सो डोंट मिस क्लासेस, ऑनलाइन है, आप लोग देखते रहो, दूसरों को भी प्रेरित करो। हमारा मकसद यही है कि हम आपको थोड़ा सा एक विज़न दे पाएँ कि आप जो सोचते हो कि अंग्रेजी बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है, इट्स टू डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड टू लर्न, इट्स टोटली रॉन्ग कंसेप्ट। यू कैन लर्न वेरी इजीली, ओनली थिंग लिटिल बिट ऑफ हार्डवर्क इज रिक्वायर्ड, और वो तो हर एक चीज़ के लिए चाहिए ही चाहिए। इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान से देखें, समझें, प्रैक्टिस, आई होप यू ऑल कैन लर्न। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है,
सिर्फ WH एक्स्ट्रा जोड़ा, बाकी वो की वो फॉर्मेशन है। अब मैं यहाँ पे भी एक लाइन खींच देता हूँ। तीन एग्जांपल मैंने तीन ही टेंस के लिखे हैं, बाकी आप खुद बना सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत आती है प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में। अभी हम लोगों ने बात की थी नेगेटिव बनाते वक्त भी कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो अंदर लेके नोट लगाते हैं, या इंट्रोगेटिव बनाने के लिए बाहर डू डज का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट से। अब ये सब्जेक्ट यहाँ पे जो है वो निर्धारित करेगा कि यहाँ डज आना है या डू आना है। तो मैं आप छोटा सा एक यहाँ पे लेता हूँ कि ही अगर मेरे को यूज़ करना है एज ए सब्जेक्ट तो नेचुरली यहाँ पे डज का प्रयोग होगा उससे पहले, और अगर मैं यहाँ पे यू का प्रयोग करता हूँ एज ए सब्जेक्ट तो यहाँ पे डू का प्रयोग होगा, और बाकी WH जो चाहिए वो हम जोड़ देंगे। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये मैंने वापस मिटा दिया। पास्ट सिंपल में आपका डिड पहले ही आ गया हेल्पिंग वर्ब में, तो उसी वजह से यहाँ पे हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। डोंट गेट कन्फ्यूज अगेन दैट सेकंड फॉर्म विल कम, ओनली फर्स्ट फॉर्म विल कम। तो ये चीज़ मैंने बार बार पहले भी बताई, अभी भी बता रहा हूँ, और उसके बाद में WH जो भी चाहिए वो जोड़ देंगे। अब ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का, इफ़ यू रिमेंबर क्या है अफर्मेटिव, इसका रूल सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। इज आर एम को बाहर ले लिया तो क्या बन गया, इंटरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब टाइप। इज आर एम को अंदर ले लिया उसके आगे नोट लगा दिया तो क्या बन गया, नेगेटिव। और इज आर एम जो है हेल्पिंग वर्ब इसके आगे अगर WH जोड़ लिया तो क्या बन गया, WH। अब मैं आपको कुछ करके बताता हूँ और उत्तर इसका एक ही मिलेगा। सपोज आई हैव टू स्पीक कि वो कहाँ जाता है, वेयर डज ही गो। अब ये जो डज आया वो ही के लिए आया, इसका कोई लेना देना नहीं है। ये जो डज है वो ही के लिए है। मान लो मैं इसके लिए छोड़ के आपके लिए बोलता हूँ वेयर डू यू गो, ये यू की वजह से डू आ रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है, एंड क्वेश्चन मार्क तो हो गए। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। पास्ट सिंपल का अगर मान लो मैं लेता हूँ, वेयर का वेयर है ये तो वैसे भी पड़ा रहेगा, यहाँ पे ही ले लो सी ले लो कुछ भी, डिड ही आना है, और इसके बाद ध्यान रखना है इम्पोर्टेंट है फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। वेयर डिड ही गो, क्या अर्थ निकल गया, पहले का हो गया कि वो कहाँ जाता है, अब आंसर देना है। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, ये ही अफर्मेटिव में आंसर देना होगा, ये ऐसी ऐसी वापस उड़ के यहाँ ही आने वाला ही गोज। और मान लो कि मैं पास में डेस्टिनेशन मिल गया है, ये ढूंढ रहा था मैं, ये जुड़ गया ही गोज स्कूल, ही गोज टेम्पल, ही गोज ऑफिस, ही गोज फॉर हिज वर्क, कुछ भी हो सकता है। अब मान लो मेरे लिए किसी ने पूछा वेयर डू यू गो, यू को हमेशा आई बनाना पड़ता है उत्तर देने के लिए, मैंने आई बना दिया, ये आई बन गया। अब आई के लिए मैं अफर्मेटिव यूज कर रहा हूँ तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, इसमें ऐसी ऐसी की जरूरत पड़ती नहीं है। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है, मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों को देखा, दोज आर होल्डिंग वेरी गुड पोस्ट इन राजस्थान गवर्नमेंट, इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दे स्पीक समटाइम आई गोज आई डज, इट्स टोटली रॉन्ग। छोटे लेवल पे गलती करना शुरू कर देते हैं तो वो क्या है, बाद में रह जाता है। सो यहाँ पे आपको बहुत ही ध्यान से देखना है कि इसमें आई के साथ में SES नहीं आएगा। लोग कहते हैं सिंगुलर है सर इसलिए SES लगा दो, नहीं केस ही नहीं है ना, प्रोनाउन का केस अलग है बिल्कुल ही, जो मैंने प्रेजेंट सिंपल के जो फॉर्मेशंस थी उसमें बिल्कुल अच्छी तरह से समझाया है आपको। तो इसमें वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल, सारे केसेस अलग अलग हैं, मैंने उसको अलग तरीके से आपको समझाया था, वही याद रखो आप। तो अभी हाल फिलहाल आप ये मान के चलो गाय के साथ में कुछ जुड़ने वाला ना, आई गो ऑफिस, ये मेरा उत्तर है कि मैं ऑफिस जाता हूँ। SES नहीं लगा, क्यों, यहीं से पता लग जा रहा है डू है, यू के लिए डू आ रहा है और उत्तर में आई आ रहा है इसलिए नहीं आई। अब मान लो कि ये है वेयर डिड ही गो, वो कहाँ गया, उत्तर मान लो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ ही। नाउ यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, ये हटना है, ये तो हमें ढूंढ के निकल रहा है, ये सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट होगा अफर्मेटिव फॉर्मेशन में, ही वेंट, और उसके आगे जहाँ भी गया। तो यही ध्यान रखना होता है हमेशा, पास्ट सिंपल प्रेजेंट सिंपल में ही थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, अदरवाइज ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हो गया ही वेंट मार्केट, सब हो जाए इसे कि वो बाजार चला गया, ही वेंट मार्केट। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये कैसे यूज़ करना है। अब जहाँ तक कि दूसरे टेंसेस की बात है, मान लो कि मैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस का लिख के रखा हूँ, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का मैं एक वाक्य लिखता हूँ, सपोज वेयर से लिखता हूँ, तो सपोज वेयर इज
ही गोइंग, यही करेक्ट इंटरोगेटिव फॉर्मेशन है। सपोज आप बोलते हो या कोई लिखा हुआ देखते हो वेयर ही इज गोइंग, समझ में सब आ जाएगा, लेकिन वो अफर्मेटिव माना जाएगा। इंटरोगेटिव तभी माना जाएगा जब ये आपका सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट से पहले आपका यहाँ पे इसका हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया बाहर, इंटरोगेटिव बन गया, अब आंसर देंगे ही इज गोइंग जयपुर, ये अफर्मेटिव आंसर हो गया। इसमें यस और नो का प्रयोग नहीं होता क्योंकि ये चीज अब मैं मिल जाती है, ये यहाँ पे मिल गया। अब मान लो कि मैं एक और वाक्य बना के बताता हूँ आपको, क्योंकि अब अगला जो क्लास होगा वो ट्रांसलेशन का होगा, दो तीन क्लासेस ट्रांसलेशन की होगी। आई विल टेल यू हाउ टू फॉर्म सेंटेंसेस सो यू विल बी एबल टू राइट, तो आप लिखने के योग्य हो जाओगे। लेकिन फिर वही बात अटकती है कि आपके पास वर्ब पावर यानी वॉकेबलरी पावर बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। जितना ज़्यादा वॉकेब पावर होगा आप उतना ही आसानी से लिख पाओगे। सो कीप प्रिपेयरिंग दोज, आई विल बी टेकिंग क्लास ऑफ सम वॉकेब ऑल्सो, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, वो मैं लिखवाऊंगा आपको। लेकिन वो एक तरह से मैं समझता हूँ समय का वेस्टेज ही है, आप कहीं से भी लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपने आप को डेली 3 या 5 या 8 या 10 जैसा भी आपको लगता है एक रूटीन बना लो कि इतने तैयार करने ही करने हैं, तो मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे एंड यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग, नहीं करोगे तो वो भी भूल जाओगे। तो चलो एक और बना के बताता हूँ दूसरे से। सपोज मैं वाई का प्रयोग करना चाहता हूँ, बात वही है, वाई तो अपनी जगह ही रहेगा। वाई इज ही गोइंग, वो क्यों जा रहा है, ये ही के लिए इज आ गया, ये वाई अपनी जगह, जहाँ वेयर था वहाँ पर वाई आ गया, वाई इज ही गोइंग, कोई रीजन है। ही इज गोइंग फॉर, वापस ही अंदर चला जाएगा, ही इज गोइंग फॉर सम वर्क, जोड़ दिया ये, उत्तर तैयार हो गया। फाइनली दिस ओनली बिकम्स स्पोकन, दिस इज ओनली यू हैव टू राइट, क्वेश्चन आंसर का पैटर्न भी यही होता है। और इसी प्रकार से अगर आप प्रैक्टिस करते रहें तो अंग्रेजी कोई ज़्यादा कठिन लैंग्वेज नहीं है, इट इज़ ऑल वेरी इजी, यू कैन अंडरस्टैंड वेल, यू कैन डू वेल। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग अस एंड सब्सक्राइब अवर वीडियोज, शेयर इट एंड टेल अदर्स ऑल्सो, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।